सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज डेट है 5 अक्टूबर और सुबह का अराउंड 6 बजने को है और अभी हम नई निकल रहे हैं वापस से एक नई राइड पे। अभी पहले फटाफट से ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हैं। अभी राइड करना है 300 किलोमीटर करीब, तो ब्रेकफास्ट भी हेल्दी होना चाहिए। सो जूस एंड ब्रेड मीन जूस एंड सैंडविच। तो अभी चल ये यहाँ से पहले चलते हैं सीधी मंदिर पे। मंदिर पे पहले दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद सीधा आपको चलते हैं राइड पे, क्योंकि 7 घंटे की राइड रहने वाली है और बहुत मजा आने वाला है आज के राइड में। सो लेट्स गो। We left our home at 6:30 in the morning, guys. अभी चलते हैं पहले सीधा मंदिर पे। मंदिर पे करते हैं दर्शन। आज की राइड अराउंड अराउंड 300 किलोमीटर होने वाली है, तो अभी पहले मैं मंदिर पे ही ट्रिप भी ज़ीरो कर दूंगा। देखते हैं कब तक पहुंच जाएंगे। गूगल बाबा का प्रेडिक्शन है हम 6:30 में निकले हैं, तो ऑलमोस्ट हम 12:30-1 के करीब पहुंचेंगे। बट मेरा मानना ऐसा है कि हम 12 बजे के अराउंड पहुँच जाने वाले हैं। देखते हैं गूगल बाबा का प्रेडिक्शन सच होता है या हमारा। तो पहले करते हैं राइड जीरो, ट्रिप्स एंड डाटा, ट्रिप टू एंड दिस बिगिंस टू जीरो। तो बस यहाँ से राइड शुरू करते हैं। ट्रिप हो गया है जीरो। चलो बैठ जाओ। आई थिंक बैग आपको बीच में आ रहा होगा व्यू एंगल में, थोड़ा सा आए तो नेगलेक्ट करना फ्रेंड्स। यहाँ से अपनी ऑफिशियल राइड शुरू हो रही है और क्या ब्यूटीफुल सनराइज है यहाँ पे। तो चलिए चलती है और आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर अराउंड 104 किलोमीटर्स। घर से निकले ऑलमोस्ट 2 घंटा होने को आया। यहाँ पे रुकते करते हैं नाश्ता पानी, क्योंकि सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके आया था वैसे तो, बट चाय पीनी है थोड़ी सी। तो अभी थोड़ा नाश्ता करना था तो हम यहाँ पे रुके। होटल काफ़ी अच्छा है, गार्डन जैसा व्यू है। तो बस चलते हैं यहाँ पे, पहले ब्रेकफास्ट तो नहीं, खाली चाय पीना है। चलो वाइट बैलेंस ले लो। ओके, तो सिर्फ चाय पीना है। चाय पीते थोड़ी देर ब्रेक लेंगे और उसके बाद सीधा चलेंगे आगे, बिकॉज अभी भी यहाँ से अराउंड 130 किलोमीटर्स के करीब बाकी है। सारा सामान सूखने को रख दिया, जैकेट भी थोड़े थोड़े गीले से हो गए। तो अभी चलते हैं, पहले यहाँ से अराउंड 130 किलोमीटर्स बाकी है, बट गूगल बता रहा है 3.5-4 घंटे लगने वाले। देखते हैं कितना देर लगता है। ऑलमोस्ट 2 बजे के करीब हम पहुँचेंगे। तो बस आपने टाइम लैप्स एंजॉय किया ही होगा। अभी सीधा चलते हैं रोड पे और फटाफट से पहुंचना है, क्योंकि ऑलरेडी यस हाँ लेफ्ट ही लेने वाले। तो चलिए सीधा मिलते हैं अभी आपसे रोड पे गोप्रो के शॉट में। लेट्स एंजॉय द वीडियो। ऐसे रोड हमें पहले से मिला होता तो अब तक हम होटल जाके रिलैक्स भी हो गए होते, बट यार लक इज लक। बट कोई बात नहीं, लक इज लक। क्या मस्त हाईवे है यार। ओ सेट, लगता है नजर लग गई, बोलते ही डाइवर्सन आ गया। अभी भी ऑलमोस्ट 2 बज गए, अभी तक हम नहीं पहुंच पाए। क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में तो है नहीं। बैरिकेडिंग यहाँ पे भी की हुई है, देखते हैं कोई रोकता भी है या नहीं। नो नो नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल, किसी ने नहीं रोका और हम दीव में एंटर कर चुके हैं।
व्हाट इज द एक्साइटमेंट लेवल, मैं कैमरे में बयां नहीं कर सकता, मुझे ही पता है। सो फाइनली वी चेक्ड इन एट रैनबोरी शॉर्ट। चले चलते हैं अंदर सीधा। सो फाइनली मैंने चेक कर लिया रैनबोरी शॉर्ट, जो कि दीव में विद इन मिन सिटी सेंटर के बीच में है, और यहाँ से जो व्यू है बहुत मस्त है। और सुबह से राइड कर रहे थे, बहुत थक गए थे, ऑल ओवर रास्ते बहुत अच्छे भी थे, बहुत ख़राब भी थे, बट ऑल ओवर राइड इज़ वेरी गुड। अभी मैं यहाँ पे ड्रोन पहले सेट कर रहा हूँ ताकि ड्रोन का एक शॉट ले पाए। और ये कुछ हमारा रूम टूर, यहाँ पे एक बेड, यहाँ पे कुछ वर्क कर नहीं सकते बट अपने को कोई काम का नहीं, बट ये तो कुछ नहीं है। जो असली मज़ा है वो अब आने वाला है स्टार्टिंग। और मैंने ये होटल इसी व्यू के लिए लिया, बहुत मस्त व्यू है, बहुत मस्त, पूरा यहाँ से दीव विजिबल है और बहुत मस्त व्यू है। यहाँ से हम एक ड्रोन शॉट लेने वाले हैं और पुलिस स्टेशन, एक मिनट मैं यहाँ बालकनी से एक्सेस करके बताता हूँ। यहाँ से पुलिस स्टेशन भी अराउंड यहीं पे है, ये रहा, दिस वन इज द पुलिस स्टेशन। सो थोड़ा सा ड्रोन का पंगा रहने वाला है क्योंकि पुलिस स्टेशन बाजू में है, तो अभी हम परमिशन लेने जाने वाले पहले ड्रोन के लिए, बिकॉज दीव में विदाउट परमिशन ड्रोन उड़ाना मना है। सो पहले चलते हैं, परमिशन लेके आते हैं और फिर यहाँ से ड्रोन फ्लाई करेंगे। अगर फ्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको एक ब्यूटीफुल सा ड्रोन शॉट दिख जाने वाला है। और ये वीडियो मैं अब यहीं पर क्लोज करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है और सुबह से जर्नी अभी तक की बहुत अच्छी रही है। अभी बस फ्रेश होकर और अब निकलेंगे बाहर दीव एक्सप्लोर करने के लिए, तो बस ये जर्नी हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। आगे के व्लॉग्स बहुत अच्छे आने वाले हैं और तो चलते हैं सीधा सिटी की ओर। तो अभी पहले फ्रेश हो जाऊं, फिर चलते हैं सीधा सिटी की ओर। और यहाँ की जो सबसे पहले स्टोरी है वो इंस्टाग्राम पे अपलोड होने वाली है, क्योंकि यूट्यूब पे तो आप थोड़े दिन बाद देख रहे होंगे, तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का नीचे आपको आईडी दिख रहा होगा नीचे, तो चलिए चलते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो फॉर व्हाटसएवर रीजन हिट द लाइक बटन, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है, और अगले व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। सो बी ट्यून्ड, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।